नमस्कार, मैं अश्वानी धड़ाधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। स्पेस प्राइवेट सेक्टर में आज इसरो और हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट ने इतिहास रच दिया है। देश का पहला निजी क्षेत्र का मिशन प्रारंभ सफल रहा। इस मिशन को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा तैयार किए गए विक्रम एस रॉकेट द्वारा प्रेक्षित किया गया। इस मिशन के 3 पेलोड थे और यह सब ऑर्बिटल मिशन था, यानी पृथ्वी को सतह से 101 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर मिशन समंदर में स्प्लैश हुआ। आतंकी फंडिंग के खिलाफ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। मोदी ने कहा कि यह अद्भुत है कि यह सम्मेलन भारत में हो रहा है। सम्मेलन में दुनिया के 72 देशों और 6 संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वेलिंगटन में क्रिकेट फैंस को आज मायूसी हाथ लगी जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला T20 मैच बिना टॉस किए ही रद्द हो गया। मैच अधिकारियों ने काफी इंतजार के बाद इसे रद्द करने का फैसला लिया। हिंदी सिनेमा में इस वक्त ऐसी फिल्मों का दौर चल रहा है जिनकी कहानियां और किरदार राजनीति और राजनेताओं से प्रेरित या प्रभावित है। ऐसी ही एक नई फिल्म का ऐलान शुक्रवार यानी आज हुआ है। फिल्म का शीर्षक है मैं रहूं या ना रहूं या देश रहना चाहिए अटल। फिल्म उत्कर्ष नैथानी ने लिखी है जबकि इसका निर्देशन रवि जाधव कर रहे हैं जो 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं। भारतीय राजनीति की इतनी बड़ी शख्सियत का किरदार निभाने का मौका मिलने पर पंकज त्रिपाठी खुद को खुशनसीब मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 60 से अधिक आवारा कुत्तों के संरक्षण की मांग करने वाली एक महिला की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसे उसने पालने का दावा किया था। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से एक अलग पीठ के समक्ष लंबित इसी तरह के मामले में अभियोग चलाने की मांग करने वाली याचिका दायर करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को NIA द्वारा आयोजित नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को फंडिंग आतंकी घटनाओं से कहीं अधिक खतरनाक है। इन आतंकी खतरे को किसी धर्म राष्ट्रीयता या समूह से नहीं जोड़ा जा सकता और न ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लंबित ट्रांसफर याचिकाओं का जल्द निपटारा होगा, इसकी जानकारी शुक्रवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि फुल कोर्ट मीटिंग में सभी जजों की सहमति से यह फैसला लिया गया है। फैसले के अनुसार 13 बेंच वैवाहिक विवादों से संबंधित 10 ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई करेगी। दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक व्यापक सक्रिय व्यवस्थित प्रतिक्रिया की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें तो हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि आतंक हमारे घरों में ना आ जाए। हमें आतंकवादियों के वित्त पर चोट करनी होगी। भारत में सड़क नेटवर्क निरंतर बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ ही बीते 22 वर्ष में देश की जनसंख्या में भी 36% की वृद्धि हो चुकी है। जाहिर है कि इससे सड़कों पर यातायात और वाहनों का भार भी बढ़ा है। ऐसे में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित कराना सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार प्रयास भी कर रही है लेकिन विशाल सड़क नेटवर्क और जनसंख्या के लिहाज से अभी यह नाकाफी है। हैदराबाद पुलिस टास्क फोर्स की टीम ने राज्य में फर्जी शस्त्र लाइसेंस रैकेट चलाने के आरोप में एक कश्मीरी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों की नकली मुहरों का इस्तेमाल किया और नकली हथियार लाइसेंस तैयार करने के लिए जाली हस्ताक्षर किए और असली हथियार खरीदे। भाकपा माओवादी के दिग्गज नेता अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कंचन दा के साथ ही रहे 13 वामपंथी चरमपंथियों ने असम के डिब्रूगढ़ और कछवाड़ जिलों में आत्मसमर्पण कर दिया है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में जहां ठंड ने दस्तक दे दी है तो वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में बर्फबारी ने तापमान में गिरावट ला दी है। उधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आंध्र प्रदेश में गुडूर रेलवे जंक्शन के पास नवजीवन एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लग गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार तड़के अहमदाबाद चेन्नई नवजीवन एक्सप्रेस ट्रेन की पेंट्री कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी एक ही दिन में इन दोनों राज्यों की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ वहां एक हाइड्रो पावर स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं अपने यूपी दौरे के दौरान पीएम वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निधि गुप्ता की हत्या करने वाले आरोपी सुफियान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी सुफियान को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी सुफियान के पैर में गोली लग गई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सुफियान पर निधि गुप्ता को बिल्डिंग की 4th मंजिल से नीचे फेंककर मारने का आरोप है।
केंद्र सरकार की ओर से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस बीच सरकार ने बैंक के कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक के लिए अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। यूपीएससी ने आज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा 1/2022 के रिजल्ट घोषित कर दिया। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूपीएससी एनटीए 1 का फाइल रिजल्ट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। घोषित हुए रिजल्ट में रुविंद सिंह ने ऑल इंडिया रैंक 1, अनुष्का अनिल बोट ने रैंक 2 और वैष्णवी गोडे ने 3री रैंक हासिल की है। पंजाब कैबिनेट की बैठक हो गई, इसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना आम आदमी पार्टी का पहला लक्ष्य है। गुजरात विधानसभा चुनाव के रन में उतरे राजनीतिक दलों के नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। सत्ताधारी भाजपा ने भी अपना तूफानी प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच गुजरात की राजनीति में अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सूरत में बुलडोजर पर चढ़कर चुनाव प्रचार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रचार के लिए आने वाले हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे के तहत प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 500 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी है। 2019 में ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 15 करोड़ रुपए या किसी इकाई के वैश्विक कारोबार का 4% जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। मसौदे में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने आज से राज्य में पार्टी के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत मोरबी से की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश मोरबी की जनता के साथ खड़ा है। मोरबी चुनौतियों से जूझता हुआ सदैव विपरीत परिस्थितियों के सामने खड़ा हुआ है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने पद का इस्तेमाल राजनीति के लिए करने के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी आरएसएस का एजेंडा लागू नहीं कर रहा। अगर मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि उनका काम यह देखना है कि सरकार कानून के तहत काम करे। NVBDCP के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर 2022 तक चिकनगुनिया के कुल कन्फर्म केसेज 5,320 हैं, जबकि संदिग्ध मामलों की संख्या 108,957 पहुंच गई है। वहीं पिछले साल यानी 2021 में चिकनगुनिया के संदिग्ध मरीजों की संख्या 119,070 थी। वहीं कुल कंफर्म केस 11,890 थे। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण टावर और टर्मिनल भवन का काम तय समय पर पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार अगले साल दिसंबर तक इस कार्य को पूरा करने पर जोर दे रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2024 की समय सीमा तय की गई है। उस साल गर्मी में भारत में आम चुनाव भी संभावित है। अंग्रेजी अखबार मिंट में छपी खबर के अनुसार टाटा अपने प्रीमियम एविएशन ब्रांड विस्तारा को खत्म करने पर विचार कर रहा है। विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड की हिस्सेदारी है। टाटा समूह एयर इंडिया लिमिटेड के तहत अपने एयरलाइन ब्रांचों को एकीकृत करने की योजना पर विचार कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए 5 दिसंबर को चुनाव होना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने सहयोगियों को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने के फैसले की जानकारी दी है। भारतीय सेना की स्काई डाइविंग टीम की एक महिला सैनिक ने शुक्रवार को नया इतिहास रच दिया है। इंडियन आर्मी की महिला सैनिक लांस नायक मंजू ने असम के मिसामारी के पास ड्रॉप जोन में 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह इंडियन आर्मी की पहली महिला स्काई डाइवर बन गई है। एलोन मस्क ने जब से ट्विटर खरीदा है विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब खबर आई है कि सैकड़ों ट्विटर कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर इस्तीफा दे दिया है। द वर्ज और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो ट्विटर के कर्मचारियों के पास गुरुवार दोपहर 2 बजे तक एक गूगल फॉर्म दिया गया था जिसमें सवाल था कि क्या वे ट्विटर से बने रहना चाहते हैं। अर्शदीप को उनके शानदार प्रदर्शन का फायदा भी खूब हुआ है। एक तरफ जहां उन्होंने टीम में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें आईसीसी की T20 रैंकिंग में बड़े स्तर पर फायदा हुआ है। आईसीसी की तरफ से जारी की गई एक खास लिस्ट में अर्शदीप सिंह को भी जगह मिली है और वह इसमें एकमात्र भारतीय हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरान जी, नंदू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, ओमकार सिंह, मोहम्मद नौशाद राजा, राजकुमार प्रसाद, अमृता कुमारी, दीपक कुमार और रंजीत कुमार झा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि पंकज त्रिपाठी आपको कैसे अभिनेता लगते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के बायोपिक के लिए उनका किरदार कितना अहम होगा? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।